किट लगाने से और ये टायर्स लगाने के बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है, एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है। सो वेलकम टू आवर चैनल रबर ऑन रोड्स। सो इस बारी बात करते हैं, जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम बोला था, अभी नैनो किट ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है कार को। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द लुक्स। लुक्स हैव टोटली ट्रांसफॉर्म ऑन थार, बिल्कुल ही एकदम मैसिव, मैं तो कहूँगा बिल्कुल बीस्ट लग रही है, राइट। पूरा टायर्स प्लस जो लिफ्ट हुई हुई है, बिल्कुल स्टांस चेंज हो गया है, मतलब मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट लुक्स ऑफ थार। व्हाट डू यू से धीरज? सो पुनीत, व्हेन वी वर ड्राइविंग द कार्स ओवर हियर, then I was driving Endeavor and you were driving Thar, and I could see this car in the rear view mirror and the side view mirror, aur bilkul hi different, you know, size hai. Aap bilkul sahi keh rahe ho, ekdam monstrous size ho gaya hai. You feel like a huge vehicle is coming in the back, and the looks is absolutely amazing now. Okay, ab hum components ki baat karte hain ki nano kit mein kaun kaun se components lage hain. So I think sabse pehle स्ट्रट्स एंड शॉक्स। सो धीरज बताना है स्ट्रट्स एंड शॉक्स के बारे में। सो पुनीत, बेसिकली अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें वाइट कलर के जो आपको स्ट्रट्स दिख रहे हैं ये लगे हैं, इनके साथ आपके कॉइल स्प्रिंग्स भी हैं। द शॉक अब्जॉर्बर्स आर नाइट्रो गैस, यू नो, शॉक अब्जॉर्बर्स, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी बेटर देन ऑयल बेस्ड शॉक अब्जॉर्बर्स। एंड इन द रियर साइड ऑफ द कार ऑल्सो इफ यू सी द शॉक अब्जॉर्बर्स हैव बीन चेंज्ड। सो इफ आई टेक यू ओवर देयर, अगर आप नीचे देखेंगे कि नैनो के शॉक अब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं, पहले महिंद्रा के शॉक अब्जॉर्बर्स लगे हुए थे, एंड बेसिकली द साइज ऑफ द शॉक अब्जॉर्बर्स इज ऑल्सो हायर, एंड द शॉक द साइज ऑफ द कॉयल्स आर ऑल्सो हायर, एंड दैट इज़ वॉट यू नो बेसिकली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लिफ्ट ऑन द कार। ओके ग्रेट, अभी नेक्स्ट हम बात करें अपर कंट्रोल आर्म्स, ये भी आप दिखाइए यूजर्स को। So upper control arms are in the front of the car, and the red components that you can see are the upper control arms. जब आप कोई भी कार को लिफ्ट करते हैं तब आप बेसिकली उसका एंगल्स चेंज कर रहे होते हैं, उसकी अपर कंट्रोल आर्म्स का एंगल चेंज हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी दैट यू ऑल्सो चेंज। इफ द लिफ्ट इज गोइंग बियॉन्ड वन और टू इंचज, देन यू नीड टू चेंज द अपर कंट्रोल आर्म्स एज वेल। सो इसमें अपर कंट्रोल आर्म्स हैव बीन चेंज व्हिच वर ओरिजिनली प्रोवाइडेड बाय महिंद्रा। अभी लिंक रॉड, द लिंक रॉड इज इन द बैक ऑफ द कार, एंड लेट मी टेक यू ओवर देयर। सो ओवर हियर इफ यू सी द लिंक रॉड्स हैव बीन चेंज, द वंस इन द ब्लू कलर। सो बेसिकली पहले इसमें छोटी लिंक रॉड लगी हुई थी, एंड इवन इफ यू सी द साइज एंड द वेट ऑफ द लिंक रॉड वॉज लेसर, नाउ कंसिडरिंग द साइज ऑफ द टायर्स द लिंक रॉड्स हैव बिकम अ लिटिल लॉन्गर, सो दैट यू नो इट बिकम्स, यू नो, इट सपोर्ट्स द रियर सस्पेंशन एंड द रियर एक्सल, एंड इट ब्रिंग्स इन द करेक्ट एंगल्स। ओके, स्वे बार। सो स्वे बार इज दैट लॉन्ग बार दैट यू सी ऑन द बैक ऑफ द कार। So basic purpose of this sway bar is that, you know, sometimes when you install such kind of a lift kit, then ek side se tire bhar aana shuru ho jata hai. This is an adjustable sway bar, and this helps in ensuring that the tires are coming out on both the sides proportionately. Okay. So Puneet, ek aur cheez jiske bare mein batana chahunga main, wo hai differential drop kit. So differential drop kit basically differential ko thoda sa niche le aata hai, और उससे जो आपका एक्सल का एंगल है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जब आप लिफ्ट करते हैं कार को तो एक्सल का एंगल काफ़ी टेढ़ा हो जाता है, एक्सल काफ़ी एंगल से हार जाता है, और डिफरेंशियल ड्रॉप किट बेसिकली डिफरेंशियल को नीचे ला के थोड़ा सा एक्सल का एंगल को ठीक कर देता है। एक्सल का एंगल जितना स्ट्रेट हो सके होना चाहिए, बट आप डिफरेंशियल ड्रॉप किट के साथ उतना ही कर सकते हो। अभी बात करते हैं, पहले इसमें योकोहामा टायर्स थे, उसके बाद हमने रेनिगेट टायर्स लगा दिए,
उसके बाद लिफ्ट किट लगा दी। तो लेट्स सी नंबर्स में क्या डिफरेंस आया है, बेसिकली फेंडर हाइट वगैरह। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम धीरज। सो पुनीत, ऑल दीज थिंग्स, यू नो, ऑल द चेंजेस दैट वी हैव मेड ग्रेजुअली हैज़ रिजल्टेड इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इफ यू सी जो फ्रंट के फेंडर और टायर के बीच में जो पहले डिफरेंस था, वो करीबन था जब हमने योकोहामा टायर्स लगवाए हुए थे, इट वॉज अराउंड 5 inches। तो फिर हमने योकोहामा टायर्स के बाद वी मूव टू द रेनेगेड टायर्स, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द डिफरेंस डिक्रीज्ड। सो हमारे फ्रंट फेंडर और टायर के बीच में डिफरेंस रह गया था सिर्फ 3 inches का। एंड नाउ आफ्टर द लिफ्ट किट यू कैन सी द मैसिव, यू नो, गैप बिटवीन द फ्रंट फेंडर एंड द टायर, एंड इट इज़ अराउंड 8 inches नाउ। सो दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 5 विच वॉज गिवन बाय द फैक्ट्री टू 3 व्हेन वी चेंज द टायर्स। हमने टायर्स बड़े कर दिए थे और हमने बाकी कुछ नहीं किया था, टू 8 व्हेन नाउ यू नो द कार हैज़ बीन लिफ्टेड। अगर आप इसका सिंपल मैथ भी देखते हैं तो कार जब फैक्ट्री फिटेड आती है तो वो 5 inch के साथ आती है, और लिफ्ट किट हमारी करीबन 2.5 inch की या 3 inch की है, तो ऑटोमेटिकली वो 8 inch में ट्रांसलेट हो जाता है। सो अभी पीछे में भी अभी हाइट में डिफरेंस आया होगा, सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम धीरज। Yes, Puneet, the figures for the rear side of the car, when you compare the tire to the fender are, initially it was 7, जब stock car आई थी हमारे पास, जब हमने tires इसमें लगा दिए थे बड़े, तब हमारे पास हो गए थे इसमें 5 inch का difference, और अब इस समय इसमें 8 inch का difference है। तो typically आपने देखा होगा थार पीछे से उठी होती है थोड़ी सी जब stock car आती है आपकी, but this is more proportionate. So if you see the rear lift, the rear lift has gone up by 1 inch practically from the stock car to what it is now. So, ab car thodi proportionate ho gayi. Aap dekhenge piche se uthi si nahi lag rahi thar, which normally a typical thar thodi si uthi hui lagti hai. Okay. So, abhi humne side se dekh liya hai ki kya difference aaya hai proportions mein. अब लेट्स अंडरस्टैंड बिकॉज नीचे से क्या डिफरेंस आया, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्राउंड क्लियरेंस में क्या डिफरेंस आया। सो पुनीत, आप देख सकते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस में काफ़ी डिफरेंस आ गया है, क्योंकि पहले कार कम लिफ्टेड थी, अब ज़्यादा लिफ्टेड है। पहले जो हमारे लोअर सस्पेंशन आर्म्स में डिफरेंस था वो था करीबन 9 inches फ्रॉम द ग्राउंड, एंड नाउ इट इज़ अ मैसिव 14 inches। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि द कार हैज़ ऑलमोस्ट गॉट लिफ्टेड बाय 5 inches फ्रॉम द ग्राउंड, एंड दैट इज़ अ कल्मिनेशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टायर्स एंड द सस्पेंशन लिफ्ट किट। So Puneet, I think one thing that our viewers would really value is an opinion on what has changed in terms of, you know, the drivability of the car. हमने इसमें 3 चीज़ें की हैं। पहले हमारे पास स्टॉक कार आई थी, उसके बाद हमने उसमें रेनेगेड टायर्स लगवा दिए, और अब हमने इसमें लिफ्ट किट भी लगा दी है। तो इसमें ड्राइवेबिलिटी कैसे चेंज हुई है, उस पर क्या इम्पैक्ट आया है इन 3 different stages में, उसके बारे में अपने व्यूअर्स को बताइए। ओके, सो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स। सबसे बड़ा पॉजिटिव इज लुक्स। Looks have totally transformed. It looks beastly. Second, smooth roads पे हम बात करें, उस पर drivability better हो गई है, far better than what it was on stock, उस पर जब Yokohama tires लगे थे, ठीक है। Third, अगर हम बात करें turning radius has magically decreased, and which is very good for this heavy Thar. And ये तो हो गए आपके पॉजिटिव्स। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव्स के, तो वन नेगेटिव इज़ दैट ऑन द बम्पी रोड्स बॉडी रोल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, और हमें पता है थार वैसे ही उसमें बॉडी रोल है, तो सिर्फ बम्पी रोड्स पे इंक्रीज़ हो गया है। एंड द सेकंड इज़ ऑन द माइलेज फ्रंट, इट इज़ टू अर्ली टू से, हम आगे भी जाके और यू नो व्हेन वी ड्राइव फॉर अनदर 300-400 kilometers तब हम और अच्छे से बता पाएंगे माइलेज के बारे में। फॉर नाउ 12.4 एक एवरेज दे रही थी, विच हैज़ रिड्यूस टू 10 km/L। सो बट अगर हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करें, द पॉजिटिव्स फार ओनली द लुक्स फार आउटवे व्हाट नेगेटिव्स आर। तो अभी बात करते हैं कि प्रॉब्लम के बारे में,
ठीक है। अब लिफ्ट किट लगाने से और ये टायर्स लगाने के बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है, तो आई थिंक व्यूअर्स यू वुड हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट टाइम जब हम इस प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे और उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है वो भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे।